गाइस वेलकम बैक टू अगेन आवर न्यू वीडियो इन उत्तराखंड। तो अभी मैं आ रहा हूँ उत्तराखंड में, तो मैं आ रहा हूँ अपने डाइजी के घर एंड यहाँ पे अंदर चल रही है कौथिक, जो कि मेरे भाई ने बजा रखे डीजे पे, तो वो डीजे पे कौथिक सुन रहे और मैं आपसे मिलाता हूँ उनको। तो यू कैन सी दैट इज माई ब्रदर, जो कि आपने देखा होंगे 31st नाइट व्लॉग में। तो आज इनके साथ जो है हम जा रहे हैं वेकेशन घूमने, तो इनके गाँव का नाम है चचरोटी और आज हम चचरोटी में व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड अब हम लोग निकल रहे बीकेसाणी के लिए। तो हम लोग रास्ते में निकलते हैं और आपको आज का व्लॉग जो है पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। और बीकेसाणी मार्केट का नाम मैंने बहुत सुना है, तो चलते हैं आज बीकेसाणी और वहाँ की मार्केट का भी व्लॉग बनाते हैं। इधर से मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ। तो इधर की साइड हमारी बाखली है एंड उधर की साइड किसी और की बाखली है और इधर की साइड बहुत सी बाखली है। तो पप्पू भाई अपने दोस्त से बात करते हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए कि आ जाओ भाई, लेकिन उनके दोस्त मना कर रहे हैं आज जाने के लिए क्योंकि उनकी जेब में पैसे नहीं है। तो हम दोनों ने सोचा हम ही लोग निकलते हैं और पप्पू भाई को देखो कितनी हंसी आ रही है। तो अब फटाफट से हम लोग निकलते हैं, बिकॉज हम रोड पर भी नहीं पहुँचे, तो अब रोड पर जाके आपसे बात करते हैं। सो राइट गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं पप्पू भाई के कॉलेज के लिए एंड हमने ले लिया उनके दोस्त की एक बाइक, तो उस पर खूब राइडिंग करते हुए जा रहे हैं हम आराम से। तो सामने का व्यू चेक कर सकते हो क्या तगड़ा हो रहा है एंड पप्पू भाई भी राइडिंग बहुत तगड़ी कर रहे हैं। आवाज क्लियर आ रही होगी नहीं आ रही होगी मेरे को भी मालूम है, लेकिन क्लियर आ रही होगी आप लोगों के, मजा आ रहा होगा। दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं कॉलेज में, यहाँ पे बाइक को थोड़ा स्टैंड अप करते हैं। ऊपर भी साइड है क्या? तो ऊपर भी साइड है, तो बाबू भाई बाइक ही ले जा रहे ऊपर को, तो चलते हैं इनके कॉलेज में। और कॉलेज में आगे रिजल्ट तो उसको पूछने के लिए आ रखे हैं, तो रिजल्ट आ गया ऑलराइट गाइस। तो हम आ चुके हैं पप्पू भाई के कॉलेज में, तो कुछ इस तरीके से जो है बीकेसाणी का ये कॉलेज दिखाई देता है एंड यहाँ के सामने से व्यू देखो क्या मस्त है। एंड पप्पू भाई ने बाइक खूब ज़्यादा तेज दौड़ा दी, तो मज़ा आ गया बाइक में, तो तुमने देखा ही होगा। एंड अब चलते हैं पप्पू भाई के कॉलेज के अंदर और वहाँ पर देखते हैं इनका रिजल्ट, अगर रिजल्ट होगा तो। ओके गाइस, तो पप्पू भाई तो चले गए कॉलेज के अंदर एंड मैं आ रहा हूँ इनकी बाहर की साइड। तो मैं यहाँ से आपको व्यू चेक कराता हूँ बाहर की साइड का, तो यू कैन सी व्यू का तगड़ा आ रखा है यहाँ से, मतलब सबसे ऊंची वाली पहाड़ पे जो है कॉलेज बन रखा है। एंड पप्पू भाई चले गए अपने रिजल्ट लेने के लिए अंदर, तो मैं बाहर ही हूँ क्योंकि मेरे को अंदर जाने में शर्म भी लग रही है, टीचर लोग भी मतलब देख रहे हैं। तो पप्पू भाई का रिजल्ट आ गया है तो उनके हाथ में यू कैन सी डैट रिजल्ट, कितने 33%। कौन सा कोर्स किया था तुमने? तो पप्पू भाई के बीकॉम में पास हो गए आराम से। तो चलो गाइस चलते हैं अब घर के लिए, और पप्पू भाई बहुत हैप्पी है लग रहे हैं, पार्टी तो बनती है अब, पप्पू भाई पार्टी तो बनती है, लोग नींद हो गए पक्का। चलो गाइस पप्पू भाई जब तक राइडिंग के लिए तैयार होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो गाइस कोई हमसे सीखो पेट्रोल बचाना, हम बंदे ने यहाँ से न्यूटन में ही बाइक को ले जाना स्टार्ट कर दिया है और क्या मस्त जा रही है, क्योंकि ऊँचे है ना यहाँ से, तो बाइक आराम से चले जा रही है नीचे की साइड को। ये देख सकते हैं आप तीखा बैंड है बहुत ही, और ये घास भी है पेरू भी फैल रहा है। हमारे यहाँ हमारी क्लासेस लगती थी, ये वाला हुआ है मतलब। अच्छा क्लासेस का लगा है। हाँ ये ऊपर तो ऊपर की साइड प्रिंसिपल का वो हो गया एंड नीचे की साइड बच्चों का हो गया क्लासेस लगने का। तो अब हम लोग निकलते हैं वेकेशन की मार्केट के लिए एंड वहाँ पे जाके थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं। जाके क्या सही न्यूटन में मुश्किल है, यहाँ से न्यूटन में जाना सीधी रोड ही है ये, अगर डाउन को होती तो तब तो चल जाती, ऊपर से तो डाउन रोड थी गाइस, तो इसलिए न्यूटन में आगे देखो रहा है, यहाँ पर स्टार्ट करनी पड़ेगी पप्पू भाई। जैसे लोग आ रहे जाता के लिए एंड हम लोग निकल रहे बीकेसर मार्केट के लिए, वहाँ से जाके एक पप्पू भाई के दोस्त को बाइक देनी है, थोड़ा वो भी रिजल्ट देखेंगे तो फिर पप्पू भाई से बोलेंगे खाने के लिए दे दो यार कुछ, तो उनको भी कुछ खिलाएंगे और फिर घर के लिए निकलेंगे एंड थोड़ा बीकेसर मार्केट भी घुमाएंगे। तो चलते हैं सोगा इस और बीकेसर मार्केट पूरा जो यहाँ से लेके जहाँ तक भी फैला है वो सब बीकेसर मार्केट ही है, इतना लंबा वेकेशन मार्केट कर रहा है। पप्पू भाई का रिजल्ट आ गया गाइस,
वाइफ बहुत हैप्पी, पप्पू भाई भी हैप्पी है। पप्पू भाई ने बोला आज रिजल्ट लेने चलते हैं और फिर कब लेकर आगे। ऐसे काम नहीं करने, घर वाले देख के सो जाएंगे। ये देखो पप्पू भाई के कारनामे, हाथ छोड़ रहे बाइक पे। लगता है पप्पू भाई को जवानी के दिन याद आ गए। कौन सा बुढ़ापा आ गया यार। So guys, you can see that is a vacation market and क्या व्यू है तगड़ा वाला, मतलब पहाड़ों के बीच में इतना बड़ा गांव पूरा देख सकते हो तुम, क्या तगड़ा वाला है। तो यहाँ हमारी मौसी भी रहती है, लेकिन अभी वो मौसी दिल्ली में है, तो वो 22 तारीख आएगी तब इनके यहाँ भी आना है हमने, तब मैं आपको मिलाऊँ उन मौसी से। बट अभी हम लोग तो मजा आ रहा है हैंड राइडिंग। Few moments later. So guys, यहाँ पे पप्पू भाई की दोस्त की बाइक में देखो क्या लिख रखा है। Sorry girls, my GF is very strict. तो भाई की GF बहुत strict है, पता तो लग गया भाई की GF है। चलो भाई की GF भी है तो इनसे भी थोड़ा पार्टी मांगते हैं। तो अभी हम लोग रुके हैं एक मोड़ पे एंड यहाँ पे थोड़ा कैप्चर करेंगे व्यू एंड ऊपर से थोड़ा टॉयलेट भी लग रखे ना, तो पप्पू भाई टॉयलेट करने गए हैं तो उस कारण जो है हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं एंड आराम से अब यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो जो यहाँ से दिखाई दे रहा है तुमको वो पूरा वेकेशन मार्केट है, पूरा का पूरा, मतलब कितने सारे घर हैं इधर की साइड, इतना बड़ा गांव तुमने देखा भी नहीं होगा, तो इतना बड़ा पूरा वेकेशन मार्केट है। पप्पू भाई वापस आ गए गाड़ी के मोड में, तो चलते हैं और बैठते हैं। तो हमको पप्पू भाई के बहुत सारे दोस्त मिल चुके हैं एंड यहाँ पे जो है पप्पू भाई के पास होने की खुशी में सब पार्टी ले रहे हैं। तो नाम बताना अपना। बीरू गिफ्ट दे रखा है मैंने। पप्पू भाई के गले में जो सांप लटक रहा है वो उन्हीं का गिफ्ट है पास होने का। चलो गाइस पार्टी करने एंड यहाँ से जो है मार्केट दिखाने स्टार्ट करता हूँ मैं तुम्हें। पप्पू भाई के दोस्त पप्पू भाई साथ में। ये बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हमारे आ चुके हैं बिस्ट स्वीट्स में। ठीक है सर, ये हमारे पंकज दा की दुकान देख सकते हैं आप। यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि आलू टिक्की, मोमोज, गोलगप्पे एंड स्वीट्स भी हैं वगैरह, आइसक्रीम वगैरह सभी अवेलेबल है। लगभग मेन मार्केट में पड़ती है इनकी शॉप, सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। गाइस जैसे कि आप मेरे को जानते होंगे, मैं हूँ सूरज का भाई जो कि चलते हैं प्रदीप डोनिया टूर एंड ट्रैवल्स। तो संपर्क करें इस नंबर पर, संपर्क इस नंबर पर संपर्क करें। और यहाँ 30% के साथ पास हो रहा हूँ क्योंकि बकरी चराने में ज़्यादा ध्यान था जब कॉलेज कर रहे थे। और ये भैंसा मछली पालन में इनके फिर भी कदू बनते थे फिर भी एपीआर वो बना रखे इन्होंने, क्योंकि मछली वाले थे हम बकरी वाले हैं इसलिए हमारे 33 बने हैं। और देख सकते हैं गर्मा गर्म। तो देख सकते हैं आप गोलगप्पे आ चुके हैं, ये खाने के लिए तैयार है यहाँ पे, पार्टी एंजॉय करने के लिए भी तैयार है हम लोग। हाय तो हेलो। All right guys, तो गोलगप्पे खा लिए हम लोगों ने एंड अब मोमोस आ चुके हैं, तो फ्राइड मोमोस खाएंगे हम लोग एंड उसके बाद जो है बिस्ट कॉर्नर से निकलेंगे,
तो यहाँ पे जो है आप लोग भी आ सकते हैं खाने के लिए, यहाँ पे ये सब चीज़ें उपलब्ध है, तो इन चीज़ों को खा सकते हैं आप लोग। कैसे है तुम्हारे पैसों के जैसे भी लगे पैसे देने में रो रहे गाइस। ये देखिए ये डबल पैसे देने में रो रहे डबल डबल निकाल रहे लौटा।